नमस्कार। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बुधवार को विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस बंद को समर्थन देने वाली शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। बहुजन क्रांति मोर्चा ने CAA, NRC, NPR के विरोध में 29 जनवरी को भारत बंद का आगाज किया है। बंद को कई मुस्लिम संगठनों ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सुने बिना फिलहाल CAA पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को ट्विटर पर #कलभारतबंद रहेगा ट्रेंड कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद को सफल बनाने के लिए कई संगठनों ने और व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया है। वहीं पुलिस ने भी इसकी तैयारी कर ली है। पुलिस अफसरों ने दावा किया है कि कोई भी व्यक्ति बंद के नाम पर किसी की दुकान जबरन बंद करवाएगा तो वो पुलिस होने नहीं देगी। इधर गृह विभाग ने भी सर्कुलर जारी कर पुलिस को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने का व शांति सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनाने का निर्देश दे दिया है। इस भारत बंद के आगाज का मुख्य एजेंडा CAA, NRC और EVM का विरोध है। विरोध के अलावा पोस्टर में यह मांग उठाई जा रही है कि NRC DNA के आधार पर लागू होना चाहिए। बिहार के कई जिले सुबह से ही बंद थे और वाम दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी कर उन्होंने प्रदर्शन किया। भारत बंद के दौरान रांची में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और गश्त तेज करने का भी निर्देश दे दिया। वहीं मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कांजुर मार्ग स्टेशन के रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया। बहुजन क्रांति मोर्चा की भारत बंद को देखते हुए राज्यों ने अपनी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्यों के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी है। अब आपके क्या विचार हैं भारत बंद को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।